प्यारे बच्चों, जब से ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ है, तब से काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में हैं, काफी सारे स्टूडेंट डरे हुए भी हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन रूल का पता नहीं है किस प्रकार से ये सीटें अलॉट होती हैं, किस प्रकार से रिजर्वेशन होता है अलॉटमेंट में, और किस प्रकार से जंप ओवर स्टूडेंट होते हैं, एमआरसी स्टूडेंट भी किस प्रकार से जनरल की सीटें लेते हैं, जनरल की सीट वैकेंट रहते हुए भी कुछ कैंडिडेट अपने कैटेगरी में सीट लेते हैं। तो इन सब का हर एक स्टूडेंट को डाउट है, क्योंकि इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट अपने कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में जंप करते हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की सीट रहते हुए भी उनको अपने ही कैटेगरी में सीट मिलती है। साथ में हम उस रूल के बारे में भी पता करेंगे जो कोर्ट ने ये कहा था कि कैंडिडेट अपने ही कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं, वो किन कंडीशनों में ले सकते हैं, अपने ही कैटेगरी में की मेरिट में वो एडमिशन ले सकते हैं, वो किस कंडीशन में ले सकते हैं, इस वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताता हूं कि रिजर्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक होरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन की हम बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो फिलहाल रिजर्वेशन है जनरल के लिए वो 40.50% है, ये आपको पता है ऑल इंडिया कोटा में। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इम्प्लीट होने के बाद में ऐसा हो गया है। ये ओबीसी की बात करें तो ये 27% है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो यहाँ 10% है, इसके बाद में एससी की बात करें तो ये 15% है, और एसटी की बात करें तो ये 7.50% है। ये इस प्रकार से कोटा है, ये आपको पता है ऑल इंडिया में इस प्रकार से ये कोटा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसमें सीटें कैसे अलॉट होंगी, तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अभी होरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है, होरिजेंटल रिजर्वेशन होता है जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया कोटा में तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन है, बाकी स्टेट में होरिजेंटल में और भी होते हैं, जैसे डिफेंस का हो गया, पैरामिलिट्री का हो गया, तमिलनाडु जैसे स्टेट में स्पोर्ट्स का हो गया, तो इस प्रकार से ये सारे होरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन ये है, होरिजेंटल रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इसमें 5% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। मीन्स क्या है, जनरल कैटेगरी के 5% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ये जनरल कैटेगरी की सीट ही लेंगे। ओबीसी के अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 5% सीटें ओबीसी की इन्हीं सीटों में रिजर्व हैं। अब हम मान लेते हैं कि मान लो 21 में 6000 एमबीबीएस की सीट होंगी, ये हम मान के चलते हैं, होंगी कितनी, होंगी कितनी इंक्रीज होंगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम यही मानते हैं कि मान लो 600 सीट्स एमबीबीएस की 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं। तो ये किस प्रकार से होंगी, जनरल की इसमें 2430 सीट्स होंगी, इसके बाद में ओबीसी की माने तो 1620 सीट्स होंगी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की माने तो हम 600 सीट्स होंगी, एससी की 15% कोटा है इनका तो 15% के हिसाब से 900 हो जाएंगी, और एसटी की अगर हम मानते हैं तो 7.5% है तो यहाँ 650 सीट्स होंगी। तो इस प्रकार से ये 21 में सीटें होंगी कैटेगरी वाइज, अगर 6000 सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब इसमें जो ये 5% होरिजेंटल रिजर्वेशन है, ये 2430 सीट्स में से 5% सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी, यानी कि अपनी ही कैटेगरी में ये सीट रिजर्व रहते हैं, इसको होरिजेंटल रिजर्वेशन कहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आपको वर्टिकल और होरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें सीट अलॉट कैसे होती है। तो अभी जो रूल है उसके मुताबिक 2430 सीट से ये सारी जनरल की सीटें हैं, इन सारी जनरल की सीट में सभी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वो इस रैंक तक आते हैं
तो वो कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उन कैंडिडेट को एमआरसी कैंडिडेट कहा जाता है। एमआरसी का मतलब होता है मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट एमआरसी कैंडिडेट है, वो इन सभी 2430 सीट पर एप्लीकेबल हैं, ये उस मेरिट तक आते हैं। तो यानी कि जनरल के कैंडिडेट की लास्ट कट ऑफ होती है, उस कैंडिडेट से वो ऊपर के मार्क्स रखते हैं तो वो जनरल की सीट लेंगे, ये रूल है। अब इसमें कुछ ऐसी कंडीशनें भी होती हैं कि जैसे मान लो 2430 सीट से इनमें सीट वैकेंट है, फिर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट अपने ही कैटेगरी में सीट लेता है, ईडब्ल्यूएस का भी अपने कैटेगरी में लेता है, जबकि जनरल की सीटें वैकेंट रहती हैं, फिर भी एससी कैटेगरी का भी, वो किस कंडीशन में रहता है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 1000 रैंक का कोई स्टूडेंट है और वो राजस्थान का रहने वाला है, यानी कि 1000 रैंक का स्टूडेंट राजस्थान का रहने वाला है, 1000 रैंक का स्टूडेंट है वो राजस्थान का रहने वाला है। अभी वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो पहले 2430 सीट से उसमें इससे ऊपर वाले जो 999 है, हम तो एक से ही मान के चल रहे हैं, अभी इसमें कुछ बच्चे एडमिशन लेते भी नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि जो 1000 रैंक का कैंडिडेट है उससे ऊपर वाले 999 कैंडिडेट ने जनरल की सीट ले ली है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो जो जनरल की सीटें वैकेंट हैं, अभी भी काफी सीट वैकेंट है, अभी तक तो 999 कैंडिडेट्स ने ही सीट ली है, इतनी सीट है, बाकी सीट वैकेंट भी रही हैं और ये सारी सीटें अभी इनकी भी वैकेंट है। तो जो ये 1000 रैंक का जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेबल है किस सीट के लिए, 2400 यानी कि जनरल की सीट के लिए ये एप्लीकेबल है। अब ये चॉइस देता है, इसमें जो मैटर करता है वो सारा चॉइस पर मैटर करता है, क्योंकि कॉलेजें काफी होती हैं और उसमें कौन सा कैंडिडेट किस कॉलेज को चॉइस करता है ये इस पे काफी डिपेंड करता है, उसकी सीट अलॉटमेंट में, उसको जनरल को सीट अलॉटमेंट होगी या उसकी कैटेगरी में सीट अलॉट होगी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मान लो उस कैंडिडेट की चॉइस है, मैं आपको उस कैंडिडेट की चॉइस बता देता हूं, सबसे पहले उसने एम्स दिल्ली दिया है जो अमूमन स्टूडेंट देते हैं, एम्स दिल्ली दे दिया उसने, इसके बाद में दूसरे नंबर पर उसने मौलाना आजाद दे दिया, इसके बाद में थर्ड नंबर पर उसने वीएमएमसी दे दिया और फोर्थ नंबर पर उसने अपनी स्टेट की कॉलेज एसएमएस जयपुर दे दिया। ये उसने चॉइस दी है कौन से कैंडिडेट ने, जिस कैंडिडेट की 1000 रैंक है। अब क्या होगा, कंप्यूटर इसमें ये सारा डाटा उठाएगा। अब एम्स में अगर जनरल और ओबीसी की सीट है, ये मान लो 1000 रैंक वाला ओबीसी का कैंडिडेट है, मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, ये ओबीसी का कैंडिडेट है 1000 रैंक वाला, तो एम्स में अगर ओबीसी और जनरल की सीट वैकेंट है तो उसको वहां से अलॉट कर देगा, अगर वहां जनरल की सीट है तो जनरल से कर देगा, ओबीसी की सीट है तो ओबीसी से कर देगा। इन दोनों इंस्टीट्यूट में कोई सीट खाली नहीं है, दोनों में जनरल की भी नहीं है और ओबीसी की सीट भी खाली नहीं है, ये दोनों सीट खाली नहीं है, तो इसकी सेकंड चॉइस पर कंप्यूटर आ जाएगा। सेकंड चॉइस में भी मान लो सेम कंडीशन ही है, इसमें भी ये दोनों सीट खाली नहीं है, इसके बाद में थर्ड सीट पे आएगा जनरल और ओबीसी में, तो ये जनरल की इसमें भी नहीं है, लेकिन एसएमएस में जनरल की सीट वैकेंट नहीं है, ओबीसी की सीट है, जनरल की सीट वैकेंट नहीं है, ओबीसी की सीट वैकेंट है, तो इस कंडीशन में उसको ओबीसी कैटेगरी की सीट एसएमएस में अलॉट हो जाएगी। इस कंडीशन में
उस कैंडिडेट को ओबीसी की सीट ही अलॉट होगी, जबकि वो एप्लीकेबल तो जनरल के लिए भी है लेकिन उसको ओबीसी की सीट अलॉट होगी। तो इस 1000 ओबीसी रैंक वाले कैंडिडेट को जनरल की सीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी जो 1620 सीट से उसमें एक सीट कम हो जाएगी, 1619 सीट वैकेंट रह जाएंगी। तो ये स्टूडेंट एप्लीकेबल तो था जनरल की कोटा पर, यानी कि ओबीसी का तो था लेकिन जनरल कोटा के लिए भी एप्लीकेबल था, लेकिन इसको जनरल की सीट नहीं मिली, इसको ओबीसी की सीट मिली है, जबकि जनरल की सीट वैकेंट थी यहां पर। बाकी इंस्टीट्यूशन में तो थी जनरल की, लेकिन उसको बाकी इंस्टीट्यूशन हम अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी च्वाइस तो एसएमएस जयपुर की है। एसएमएस जयपुर में जब उसकी कैटेगरी की सीट वैकेंट रही है तो दूसरे नीचे वाले इंस्टीट्यूशन की जो उसने च्वाइस दे रखी है उसको जनरल की सीट कैसे दे देंगे? उसको तो वही प्रिफरेंस मिलेगी जो सीट वैकेंट है। तो इस प्रकार से ओबीसी कैंडिडेट को जनरल में सीट वैकेंट होते हुए भी उसकी कैटेगरी में सीट मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा डाटा, अगर एसएमएस जयपुर में जनरल की सीट होती और ओबीसी की सीट भी होती तो पहले उसको जनरल की सीट मिलती, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को ओबीसी कैटेगरी का है तो ओबीसी की सीट मिलती। तो इस प्रकार से ये डाटा पूरा चलता रहता है। तो इसमें ये सोचने काफी स्टूडेंट और टीचर्स और काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले 2430 सीट्स फुल होंगी, उसके बाद में इतने सारे ओबीसी आ गए सारे के सारे यही सीट लेंगे जनरल की, उसके बाद वो ओबीसी 1620 जनरल की कट ऑफ होने के बाद ओबीसी 1620 वाले ये लेंगे। लेकिन नहीं, जनरल की सीट वैकेंट रहते हुए भी कैंडिडेट अपने कैटेगरी की सीट लेगा जब जनरल कैटेगरी की सीट उसकी च्वाइस के मुताबिक उस इंस्टीट्यूशन में खाली नहीं है। ये सारा का सारा इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट होता है, तो इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, अभी ये जो एमआरसी कैंडिडेट होते हैं ये एमआरसी कैंडिडेट सारे ही नहीं लेते जनरल की सीटें, ये अपने कैटेगरी में भी लेते हैं, ये मैंने बता दिया है। और ये जो जंप करते हैं अपने कैटेगरी से, जैसे मान लो एसएमएस में ये सीट खाली होती जनरल की तो ये जनरल की सीट लेता, इसमें एक सीट जनरल की कम हो जाती, ओबीसी की एज इट इज रहती तो यहाँ एक सीट कम होती, तो इसको जंप ओवर कैंडिडेट बोलते हैं। और ये जो कैंडिडेट की ये जो ओबीसी की उसकी कैटेगरी की सीटें वैसी की वैसी रहेगी, नेक्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगी इसमें। अब इसमें सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि ये जो आपने कैटेगरी का ये जो किया है सारा सब कुछ किया है, ये कैटेगरी का इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट होता है, न कि एक साथ ही सारी कैटेगरी मिला के सीटें मिला के उसको अलॉट कर देना। ये इंस्टीट्यूट में हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोटा होता है, जनरल का उनका, जैसे जनरल की किसी इंस्टीट्यूट में 28 सीट है, इसके बाद में ओबीसी की उसमें रूल के मुताबिक ये 27 के हिसाब से ये सीटें होंगी। तो इस प्रकार से कोटा होता है इनका सबका अलग अलग, उसी कोटा के अनुसार उसकी च्वाइस के अनुसार सीटें मिल जाती हैं। अगर उसकी च्वाइस में वो सीट नहीं है तो उसकी कैटेगरी की सीट मिलेगी। हाँ ये है कि वो अपने डाउन कैटेगरी की सीट में नहीं ले सकता, ये जनरल में ही लेगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ओबीसी वाला कैंडिडेट नहीं लेगा। तो मैंने एक ओबीसी का और इंस्टीट्यूट का एग्जांपल देके आपको बता दिया है। हालांकि ओबीसी कैंडिडेट काफी ज्यादा होते हैं इसलिए मेरिट भी उनकी काफी रहती है, इसलिए इसमें ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। मैंने आपको पहले भी कल वाले परसों वाले वीडियो में एक यही बात बताई थी, 2020 का डाटा तो हमारे पास अवेलेबल है, 21 में हम ये नहीं बता सकते कि कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी का कौन कैंडिडेट लेगा, क्योंकि उसमें कारण यह है कि कोई भी स्टूडेंट का हम नहीं जानते कि वो कौन से इंस्टीट्यूट की इच्छा रखता है, कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, ओबीसी के कितने कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, कितने को कितने मार्क्स आएंगे। तो 21 का डाटा तो अभी हमारे पास है नहीं, तो 21 में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 20 का मैंने आपको एक डाटा बताया था कि जनरल का अगर 20 में ये कोटा इंप्लीमेंट होता तो जनरल कैंडिडेट को 615 यानी
13,000 रैंक के नियर बाई उसको सीट मिलनी थी। ओबीसी कैंडिडेट को 609 या 610 बताया था मैंने, 16,000 के नियर बाई उसको मिलनी थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का तो काफी अंतर होना था उसमें, अगर हम माने तो इस प्रकार से नियर बाई होनी थी। तो ये अगर हम मानते हैं तो ये हो सकता है, हो सकता था 2020 में। तो ये डाटा मैंने आपको बताया, यानी कि जनरल और ओबीसी में 6 मार्क्स का और इनमें इतना मार्क्स का अंतर होना था अगर ये 2020 में इम्प्लीमेंट होता। तो अभी 21 में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होने के बाद भी स्टूडेंट का एक गोल है वो क्या होता है कि सेट हो जाता है। जैसे अभी एससी एसटी कैंडिडेट की हम बात करें, एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें, तो 2020 में मात्र एक स्टूडेंट ऐसा था एससी कैटेगरी का जिसने जनरल की सीट ली थी, जिसने जनरल की सीट ली थी, बाकी सभी कैंडिडेट ने अपने ही कैटेगरी में सीट ली है। इसके बाद में एसटी का कोई भी कैंडिडेट नहीं था जिसने जनरल की सीट ऑक्यूपाई की हो 2020 में, जिसने जनरल की सीट 2020 में ऑक्यूपाई की हो, फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था, एससी का सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। अगर ये कोटा अगर ये कॉमन होता, यानी कि कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता एससी और एसटी का, तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट 15,000 रैंक तक 90 ऐसे कैंडिडेट होते जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती, और एससी एसटी कैटेगरी के 15 ऐसे कैंडिडेट होते 15,000 रैंक तक जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती, बाकी को नहीं मिलती रिजर्वेशन के कारण उनको बाकी को सीट मिल पाई है वो भी है उसमें। लेकिन ओबीसी की कंडीशन में ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, इसलिए ओबीसी की कंडीशन में ये फर्क कम पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि आप रिजर्वेशन रूल आसानी से समझ गए होंगे। हर एक स्टूडेंट को ये जरूरी नहीं है कि हर एक एमआरसी को जनरल की सीट मिलेगी, उसको अपने कोटा में भी सीट मिलेगी। तो 21 के लिए हम ये आइडिया नहीं लगा सकते जनरल की कितनी कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये एग्जाम लगने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। अब ये तो हो गई बात सीट अलॉटमेंट की कि ये कैसे होता है। अब एक कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था कि हर एक कैंडिडेट अपने कैटेगरी का एक ही बेनिफिट ले सकता है। मतलब वो क्या था रूल, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में हैं कि हर एक कैंडिडेट को अपने कोटा में ही सीट अलॉट होनी चाहिए। तो कोर्ट का ये मानना था, कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जैसे मान लो एक कैंडिडेट है ओबीसी का ही, हम कैंडिडेट लगा लेते हैं ओबीसी का कैंडिडेट है और उसको 1000 रैंक आ रखी है, उसको 1000 रैंक आ रखी है इस ओबीसी के कैंडिडेट को। अभी इसमें एज का तो इस बार है नहीं, 2-3 सालों से एज का कोई इसमें फिक्स नहीं है, मैक्सिमम एज है वो कोई लिमिट नहीं है उसका। अगर इसमें इससे पहले एज की लिमिट होती थी, यानी कि 25 इयर्स जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 25 इयर्स के स्टूडेंट के बाद एडमिशन नहीं होता था, और ओबीसी कैंडिडेट को इसमें 3 इयर्स की छूट होती थी, एससी एसटी को 5 इयर्स की छूट होती थी एज में, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये एज अभी हटा रखी है मैक्सिमम एज, तो ये लागू नहीं होता है इसमें। अगर ये लागू होता, कोर्ट के ऑर्डर की बात बता रहा हूं मैं, अगर ये लागू होता तो जो ये 1000 रैंक वाला स्टूडेंट है वो अगर 25 से ज्यादा है, यानी कि ओबीसी का कैंडिडेट है और इसका बेनिफिट ले रहा है, तो उसको एक ही बेनिफिट मिलेगा, वो जनरल की सीट नहीं ले सकता। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये 1000 रैंक वाला कैंडिडेट जो जनरल की 2430 सीट से उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये एज वाला रूल नीट में होता तो ये, अगर इसको ये बेनिफिट मिलता 25 से ऊपर होता, 25 से ऊपर होता, तो इसको जनरल की सीट नहीं मिलनी थी, वो अपने कैटेगरी में ही मेरिट के अनुसार सीट लेता। हाँ,
25 या इससे नीचे वाला कैंडिडेट, अगर ओबीसी कैंडिडेट है, इससे नीचे उसकी एज है और उसकी रैंक 1000 है, तब वो दोनों में जनरल कैटेगरी की सीट के लिए भी एप्लीकेबल था और ओबीसी के लिए भी एप्लीकेबल था। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट एक ही जगह फायदा ले सकता है, चाहे वो एज में ले या फिर मेरिट में ले। तो अभी तो इसमें मेरिट का फायदा मिल रहा है क्योंकि एज का कोई मतलब नहीं है, तो ये रूल लागू होता नहीं है इस पे। नीट की जो काउंसलिंग होती है, अगर एज का होता तो फिर इसमें वो एक ही बेनिफिट ले पाता, या तो एज का बेनिफिट लेता या फिर मेरिट का बेनिफिट लेता। तो ये जानकारी थी इसके बारे में, मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है सब कुछ आपको। मैं सोचता हूं कि रिजर्वेशन के बारे में किसी प्रकार का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं कट ऑफ बनाता हूं बिल्कुल एक्यूरेट जाती है, मैं ये सारे के सारे फैक्टर निकाल के उसके बाद कट ऑफ बनाता हूं, और सारे के सारे फैक्टर निकालने के बाद ही कोई वीडियो बनाता हूं। आपको एक बार ऐसा लगता है कि मैंने कहीं गलती कर दी है, मैंने गलत बना दिया है, तो आपका कहीं कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दूसरे हिसाब से आप सोच रहे होते हैं। मैंने पूरा का पूरा 2020 का कैलकुलेशन इस के हिसाब से निकाल दिया था कि कितने कैंडिडेट को कौन सी सीट मिलनी थी। तो बाकी और कोई अपडेट मिलेगी। मैं एक बात ये सोचता हूं कि ये जो जनरल कैटेगरी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है लेकिन 5-7 नंबर का जो नुकसान हो रहा है, ये आप अभी कवर तो कर सकते हैं, कवर आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी। जैसे ईडब्ल्यूएस का हुआ था, ईडब्ल्यूएस का कोटा अलग से हुआ था, उसकी सीटें 25% सीटें इंक्रीज की गई थी, जिससे कि किसी को फायदा, किसी को नुकसान नहीं हो, फायदा सभी को हो। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए भी इवन उन्होंने 15% सीटें इस एवज में इंक्रीज की थी। तो मैं सोचता हूं कि ऑल इंडिया कोटा के लिए ये जो नुकसान हो रहा है ओबीसी कैंडिडेट को, तो उसके सॉरी जनरल कैंडिडेट को, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचेगी इसमें। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।